अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर निर आज के ताज़ा क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस को लेके इल्म आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज 4 जुलाई 2022 और अगर बिटकॉइन की 4 आवर टाइम फ्रेम की बात की जाए तो करंटली बिटकॉइन ट्रेड हुआ 19,200 डॉलर्स के पर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत रिकैप देता चलूँ यहाँ पे BTC के ऊपर, तो प्रीवियसली जब मैंने BTC के ऊपर वीडियो बनाई थी मैंने आप लोगों को गाइड किया था 18,900 डॉलर का लेवल बिटकॉइन के लिए एज अ सपोर्ट और 19,400 डॉलर का लेवल BTC के लिए एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले 2 दिन से BTC 18,900 डॉलर के लेवल को एज अ सपोर्ट के तौर पर ही यूज कर रहा है और 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर BTC ने अपनी कोई भी कैंडल 18,900 डॉलर से नीचे बंद नहीं की। और पिछले 2 दिन से BTC 19,400 डॉलर के लेवल को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर यूज कर रहा है। और मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि अगर बिटकॉइन 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर 19,400 डॉलर से 2 कैंडल अबव बंद करता है तो फिर हम लोग BTC की वैल्यू को अबव जाता हुआ देखेंगे और फिर BTC की वैल्यू अबव जाएगी तकरीबन 20,000 डॉलर के लेवल तक। तो अगेन कोई भी कैंडल बिटकॉइन की 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर 19,400 डॉलर से अबव बंद नहीं हुई है और अभी भी BTC इसी कंसोलिडेशन लेवल के दरमियान में ही ट्रेड हो रहा है। और उसके अलावा हम लोग जानते हैं कि अगले चंद घंटों के अंदर ये वीकली रैप अप होगा बिटकॉइन के लिए और मैक्सिमम चांसेस हैं कि इस वीक की भी जो सी कैंडल है वो भी रेड ही बंद होगी। तो अगले चंद घंटों के अंदर ये वाली कैंडल भी बंद हो जाएगी और अगेन इसके मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये वाली कैंडल रेड ही बंद होगी। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कैंडल स्टार्ट हुई थी 21,000 डॉलर के ऊपर और करंटली ये ट्रेड हो रही थी 19,200 डॉलर के ऊपर और अगले 5 घंटों के अंदर ये कैंडल बंद होगी तो मैक्सिमम चांसेस यही है कि ये कैंडल रेड बंद होगी। तो अगले वीक के अंदर हम लोग एक थोड़ा बहुत ग्रीन रन दिखाता हुआ एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर। और वो मैं क्यों कह रहा हूँ, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे ये ट्राइंगल ड्रॉ करके दिखाता चलूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि BTC पिछले तकरीबन 2 से 3 दिन से इसी ट्राइंगल के दरमियान में ये ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे इस लेवल को मतलब कि 18,900 डॉलर के लेवल को BTC एज अ सपोर्ट के तौर पर यूज कर रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि तकरीबन 4 से 5 दफा BTC की वैल्यू 4 आवर टाइम फ्रेम के पर 18,900 डॉलर के लेवल तक आई थी और इससे नीचे अगेन कोई भी कैंडल बंद नहीं हुई 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। और BTC इसी रेजिस्टेंस लेवल को पिछले काफी देर से एज ए रेजिस्टेंस के तौर पर यूज कर रहा है और सो फार कोई भी कैंडल 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर इससे अबव बंद नहीं हुई है। तो अगर तो BTC इसी सपोर्ट लेवल को होल्ड करके रखता है 18,900 डॉलर के लेवल को तो मैक्सिमम चांसेस है कि अगले चंद घंटों के अंदर हम लोग एक ब्रेकआउट देखें यहाँ पे BTC के अंदर। और अगर इस वक्त ब्रेकआउट आता है तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि हम लोग अगले चंद घंटों के अंदर ही मतलब कि ये जो नए वीक की कैंडल अभी शुरू होगी उसी के अंदर हम लोग बिटकॉइन को 20,000 डॉलर के लेवल तक देखें। लेकिन अगेन उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि BTC 18,900 डॉलर के लेवल को एज अ सपोर्ट के तौर पर यूज करे और 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर 18,900 डॉलर से नीचे अपनी कोई भी कैंडल बंद ना करे। और अगेन अगर इसको होल्ड करके रखता है तो एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है बिटकॉइन के अंदर अगले चंद घंटों के अंदर। तो अभी BTC का कंसोलिडेशन लेवल अगर आप लोगों को बताता चलूं तो करंट कंसोलिडेशन लेवल जो है 18,900 डॉलर का लेवल एज अ सपोर्ट और 19,400 डॉलर का लेवल एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। और अगर BTC 19,400 डॉलर के रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है तो फिर हम लोग BTC की वैल्यू को 20,000 डॉलर के लेवल तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर BTC 18,900 डॉलर के सपोर्ट लेवल को तोड़ देता है तो फिर 18,500 डॉलर और फिर उसके बाद तकरीबन 18,000 डॉलर तक का भी जो लेवल है वो एज अ सपोर्ट के तौर पर काम करेगा यहाँ पे BTC के लिए। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट्स रिगार्डिंग BTC इन मीडियम शॉर्ट टर्म एंड होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर तो आप लोगों ने ट्रेड लेनी है यहाँ पे BTC के ऊपर किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने एंट्री लेनी है और किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट कर लेना है यहाँ पे BTC की ट्रेड के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कार्डानो के ऊपर। तो कार्डानो अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हुआ था 0.45 डॉलर के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इसके ऊपर अभी मैंने रिसेंटली ही वीडियो बनाई थी और रिसेंटली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तभी कार्डानो इसी लेवल के ऊपर ट्रेड हो रहा था। और अगर तो आप लोगों ने एंट्री ली होगी तो आप लोगों ने चंद ही घंटों के अंदर तकरीबन 7% तक का एक काफी अच्छा प्रॉफिट जो है वो सपोर्ट के अंदर जनरेट किया होगा यहाँ पे कार्डानो के ऊपर से। तो कार्डानो के ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे तमाम मूविंग एवरेजेस मतलब कि तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की लाइंस अगर ओन करके दिखाता चलूं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्डानो पिछले काफी देर से 21 EMA की लाइन को एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर रहा है। और प्रीवियसली भी जब इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तब भी हम लोगों ने देखा था कि कार्डानो तमाम
मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे ट्रेड हो रहा था और 21 EMA की लाइन नीचे आ गई थी। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग थोड़ा बहुत रेड रन दिखाता हुआ एक्सपेक्ट करें यहाँ पे कार्डानो को। तो अभी भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्डानो 21 EMA की लाइन को एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर रहा है, और अगर कार्डानो की वैल्यू नीचे आती है तो आप लोग कार्डानो को $0.44 के लेवल तक आता हुआ एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले चंद घंटों के अंदर। लेकिन अगर ये वाली जो सी रेजिस्टेंस लेवल है, मतलब कि अगेन 21 EMA की लाइन, $0.45 का लेवल, अगर तो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर इससे अबव दो कैंडल्स बंद कर देता है तो फिर हम लोग इसकी वैल्यू का अबव जाता हुआ देख सकते हैं, और फिर इसकी वैल्यू अबव जा सकती है तकरीबन $0.46 के लेवल तक, कि जहाँ पे इसकी एक तो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल की लाइन बन रही है और दूसरी इसकी 50 EMA की लाइन आ रही है। तो तकरीबन $0.46 से लेके $0.462 के लेवल तक आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे कार्डानो की वैल्यू को, अगर कार्डानो 21 EMA की लाइन को तोड़ता है तो। लेकिन अगेन मैक्सिमम चांसेस है कि अब ये 21 EMA की लाइन को नहीं तोड़ेगा, और मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग इसकी वैल्यू को भी नीचे आता हुआ देख सकते हैं। तो प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तब भी तकरीबन इसी लेवल के ऊपर ये ट्रेड हो रहा था, और तब भी मैंने इसका जो कंसोलिडेशन लेवल आप लोगों को बताया था, मैंने आपको बताया था कि $0.44 का लेवल एज अ सपोर्ट और $0.46 का लेवल एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा यहाँ पे कार्डानो के लिए। तो अभी भी आप लोग देख सकते हैं कि कार्डानो उसी लेवल के दरमियान में ट्रेड हो रहा है। तो कार्डानो का भी जो एनालिसिस है उसे मैं प्रीवियस वीडियो ही है, इसी लेवल के दरमियान में हम लोग कार्डानो को ट्रेड होता हुआ देखेंगे। और अगेन अगर कार्डानो की वैल्यू नीचे आती है तो $0.42 का लेवल, कि जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि ये वाला लेवल एक काफी अच्छा सपोर्ट लेवल है यहाँ पे कार्डानो के लिए, क्योंकि प्रीवियसली जब मार्केट क्रैश की थी तो $0.42 के लेवल को ही कार्डानो ने काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पर यूज किया था, और यहाँ से ऊपर की तरफ बाउंस बैक की थी कार्डानो की वैल्यू। तो इस बार भी अगर मार्केट क्रैश करती है तो हम लोग देखेंगे कि $0.42 एक काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, और फिर इसकी वैल्यू अबव जाएगी। लेकिन अगर ये $0.42 के लेवल को तोड़ देता है, एक बड़ा क्रैश आ जाता है यहाँ पे कार्डानो के ऊपर, जो कि अगेन एक्सपेक्टेड है, इसके बारे में आपको प्रीवियसली भी गाइड करता रहा हूँ कि बिटकॉइन के अंदर भी हम लोग एक क्रैश देख सकते हैं, और बिटकॉइन की वैल्यू तकरीबन $16,000 से $15,000 के लेवल तक आ सकती है। तो इसी तरह कार्डानो की वैल्यू भी काफी ज्यादा नीचे आ सकती है, और कार्डानो की वैल्यू अगर नीचे आएगी तो $0.4 और फिर इसके बाद तकरीबन $0.36 के लेवल तक भी कार्डानो की वैल्यू को आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगले चंद घंटों के अंदर हम लोग इसको इसी लेवल के दरमियान में, मतलब कि $0.44 से लेके $0.46, या अगर बहुत भी अबव जाती है यहाँ पे कार्डानो की वैल्यू तो फिर तकरीबन $0.475 के लेवल तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कार्डानो के ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो आप लोगों के जो करंट एंट्री पॉइंट बनेगा फॉर अ शॉर्ट ट्रेड $0.444 के ऊपर, और आप लोगों का जो एग्जिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन $0.46 के ऊपर। और अगर मार्केट क्रैश करती है तो फिर आप लोगों को लेवल बाय लेवल अपनी एंट्रीज लेनी है, और फिर आप लोगों के जो लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं $0.44, $0.42 और फिर उसके बाद तकरीबन $0.4 के ऊपर। और आप लोगों के जो एक्सिट टारगेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे तकरीबन 0.44, 0.46, और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर $0.48 के ऊपर, लेकिन $0.48 तक काफी देर तक वैल्यू जाएगी यहाँ पे कार्डानो की। तो अगर तो आप लोग तब तक इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी मर्जी होगी। इसके अलावा अगर आगे चलते चले तो लास्ट वे यहाँ पे बात करते हैं बाइनेंस के ऊपर, जो कि इस वक्त ट्रेड होता है $217 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसके अलावा इसके ऊपर प्रीवियसली जब मैंने वीडियो बनाई थी तो हम लोगों ने देखा था कि बाइनेंस की वैल्यू काफी अबव गई थी, और तकरीबन 5 से 6% तक का प्रॉफिट जो है वो हमारा जनरेट हुआ था यहाँ पे तकरीबन 2 दिनों के अंदर बाइनेंस के ऊपर से। और मैंने आप लोगों को बताया था कि तकरीबन 243 से $244 का लेवल जो है वो काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा यहाँ पे बाइनेंस के लिए, और वहां से हम लोग डेफिनेटली तौर पे नीचे की तरफ बाउंस बैक करता हुआ देखेंगे बाइनेंस को। तो बिल्कुल वैसे ही हुआ है, यहाँ पे बाइनेंस की वैल्यू नीचे आई है, और करंट जो बाइनेंस का सपोर्ट लेवल बन रहा है वो बन रहा है तकरीबन $214 से लेकर तकरीबन $215 तक का लेवल। और अगर यहाँ पे बाइनेंस की वैल्यू नीचे आ जाती है तो फिर हम लोग देखेंगे कि तकरीबन $207 का लेवल, जो कि प्रीवियसली भी एक काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करता रहा है यहाँ पे बाइनेंस के लिए, वही वाला लेवल दोबारा से एज ए सपोर्ट के तौर पे काम करेगा यहाँ पे बाइनेंस के लिए। और अगर बाइनेंस की वैल्यू $207 से नीचे आ जाती है तो फिर $200 का लेवल एक साइकोलॉजिकली काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा यहाँ पे बाइनेंस के लिए, क्योंकि साइकोलॉजिकली काफी अच्छा डिमांड जोन बनता है ये BNB के लिए। अगर BNB के ऊपर भी तमाम मूविंग एवरेजेस अगर आप लोगों को ऑन करके दिखाता चलूं,
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पिछले काफी देर से बाइनेंस दोबारा से 21 EMA की लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर रहा है, और 21 EMA की लाइन इसकी दोबारा से सबसे नीचे आ गई है। तो इसका एक काफी हैवी रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है तकरीबन 218 डॉलर के ऊपर, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो फिर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 218 डॉलर से लेकर 220 डॉलर तक का जो सा लेवल है, ये वाला लेवल है काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा यहाँ पे बाइनेंस के लिए, और फिर हम लोग इसी कंसोलिडेशन लेवल के दरमियान में ट्रेड होता हुआ देख सकते हैं बाइनेंस को। और जैसा कि वीडियो के शुरू के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग बिटकॉइन के ऊपर एक ब्रेकआउट देखें अगले चंद घंटों के अंदर, अगर तो ये 18,900 डॉलर के लेवल एज अ सपोर्ट के तौर पे होल्ड करके रखता है तो फिर बाइनेंस की वैल्यू की भी अबव जा सकती है। और फिर हम लोग देखेंगे कि उस 50 EMA की लाइन के जहाँ पे इसकी वैल्यू बनी है 222 डॉलर्स, ये वाला लेवल एक काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। तो 218 डॉलर से लेकर 222 डॉलर के लेवल तक हम लोग अगले चंद घंटों के अंदर बाइनेंस की वैल्यू को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और फिर वहां से इसकी वैल्यू दोबारा से नीचे की तरफ बाउंस बैक करेगी। और अगर इसकी वैल्यू नीचे आती है तो फिर 214 डॉलर का लेवल फिर से काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा यहाँ पे बाइनेंस के लिए, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले तकरीबन 2 दिन से बाइनेंस ने 214 डॉलर के लेवल को ही एज अ सपोर्ट के तौर पे होल्ड करके रखा हुआ है, और 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अपनी कोई भी कैंडल इस लेवल से नीचे बंद नहीं की है। और अगेन जैसा कि मैंने आपको अभी गाइड किया कि अगर तो इससे नीचे भी आ जाती है यहाँ पे बाइनेंस की वैल्यू, तो फिर 207 डॉलर का लेवल अगेन एक काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा BNB के लिए। तो BNB के ऊपर सबसे पहले अगर आप लोगों को शॉर्ट ट्रेड के बारे में बताता चलूँ तो करंट एंट्री पॉइंट आप लोगों का बनेगा तकरीबन 214.5 डॉलर के ऊपर, और आप लोगों का एग्जिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन 219 डॉलर के ऊपर। और अगर आप लोगों ने लेवल बाय लेवल एंट्रीज लेनी है तो आप लोगों के एंट्री पॉइंट्स बन रहे हैं तकरीबन 214, 207 और फिर उसके बाद तकरीबन 200 डॉलर के ऊपर। और आप लोगों के जो एक्सिट टारगेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे तकरीबन 214, उसके बाद तकरीबन 220, और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर तकरीबन 225 डॉलर के ऊपर भी बाइनेंस को सेल आउट करके आप लोग अपना ही काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे। तो ये हैं आज की कॉइन्स, और कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किन कॉइन्स या टोकन्स के बारे में बताऊं उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।